आंगनवाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष गीतांजलि मौर्या के नेतृत्व में गुरुवार को नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में कर्मचारी और सहायिकाओं ने धरना दिया। विभिन्न ब्लॉकों से आई कर्मचारी एवं सहायिकाओं ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलनरत है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मानदेय बढ़ोतरी का आश्वासन मिलने के बाद भी अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं लिया गया है, जिसके विरोध में हम धरना देने में को विवश हैं। 17 जनवरी से हम लोग काली पट्टी बांधकर कार्य करेंगे। अगर 4 फरवरी तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम 5 फरवरी से कलमबंद हड़ताल को करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए गीतांजलि मौर्या ने कहा, अपने भीड़ को एकता को दिखा दो। हम लोग अपने मानदेय से संबंधित मांगों को सरकार के समक्ष रखे थे और पिछली बार बहुत धरना प्रदर्शन भी हम लोगों ने किया। 2017 में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का 10,000 और सहायिकाओं का 5,000 रुपए मानदेय किया जाएगा, जो 1 अप्रैल 2018 से लागू हो जाएगा, जिसका शासनादेश अब तक जारी नहीं हुआ और आचार संहिता अब जारी होने जा रही है। उसका राजज्ञा जारी करें, मानदेय बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए राजज्ञा जारी करें, और अगर वो 4 फरवरी के पहले राजज्ञा जारी नहीं करते हैं तो 5 फरवरी से हम लोग कलम बंद काम बंद हड़ताल करके धरना प्रदर्शन करेंगे और काम बिल्कुल ठप रहेगा। और तब तक आज 17 जनवरी 2019 से 4 फरवरी 2019 तक हम लोग काली पट्टी बांध कर काम करेंगे, केंद्र संचालन करेंगे, और अगर 4 तारीख तक ये मांगे पूरी नहीं हुई, हम लोगों की मांगे पूरी नहीं हुई, तो 5 फरवरी से हमारा आंदोलन शुरू हो जाएगा।